आप देख सकते हो हमारे पास एक रेस्क्यू कॉल आई थी लगभग करीब 3-3.5 घंटे पहले। हम हाथरस शहर अपने ज़िला हाथरस में आए हुए हैं। यह मेरे निवास स्थान से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। तो यह हाथरस शहर हमारे विश्वविख्यात हास्य कवि काका हाथरस के नाम से जाना और पहचाना जाता है। आप देख सकते हो हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब जी ने कितना प्यारा शहीद स्मृति स्थल बनवाया है, कितना प्यारा है। आप देख सकते हो इसके ऊपर अभी कुछ दिन बाद तिरंगा भी लगाया जाएगा। जय परोपकार। अभी अभी मैं यह मेरा जिला हाथरस पड़ता है, मेरे आवास से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुझको बुलाया गया है यहाँ पर। यह बहुत ही ऐतिहासिक शहर हाथरस के नाम से, जिसको कि मैं समझ सकता हूँ कि पूरा भारत जानता होगा। यहाँ के हमारे आदरणीय हास्य कवि काका हाथरसी, जिनका के जिक्र बहुत ही नामचीन व्यक्तियों ने अपने अल्फाजों में बार बार किया है, तो उनकी यह जन्मभूमि, उनकी पावन भूमि, जिसको कि हम नमन करते हैं। तो यहाँ पर एक परिवार रहता है। आप देख सकते हो यह छोटी सी एक फुलवाड़ी लगा रखी है, इसमें कोई सांप आके बैठ गया है। सांप कोई भी हो उससे तो भय तो होता ही है, तो इन लोगों ने हमें बुलाया है कि सांप निकला हुआ है, तो उसको ज़रा पकड़कर एक अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाए। सारे बहुत ही अच्छे लोग जिन्होंने कि एक इतने घातक जीव की प्ररक्षा कराने के लिए हमको बुलाया, क्योंकि किसी की जान लेना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन किसी की जान बचाना यह बहुत ही मुश्किल काम है। इसको वही समझ सकता है जिसकी की जान किसी संकट में हो और उसकी कोई जान को बचा दे। अभी देखते हैं निकाल कर कौन सा सांप है। ये तो भूता पहल। आप देख सकते हो कितना अंदर तक घुसा हुआ है ईंटों में। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा रेड स्नेक, प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता रहता हूँ कि अपने घरों में सफाई रखें, क्योंकि सफाई भैया पकड़ लो, लेकर पकड़ो मुझे आगे, मुंह तो डर लग रहा भैया, छोड़ दो छोड़ दो। ओए भारतीय रेड स्नेक बिना विष वाला सांप होता है, इसके अंदर पाया जाता है। आप समझने की कोशिश की जाए, किसान का मित्र भारतीय रेड स्नेक सांप, ये हमारा दोस्त है जी यार, किसान मित्र, यह किसान का मित्र है। कभी भी अगर ऐसा सांप पहचान सकते हो आप इसके इसके मुंह के पास किस तरीके से यह लकीरें होती हैं और इसके ऊपर निकासी नक्काशीदार जाली। भारतीय रेड स्नेक भारत में सर्वत्र पाया जाता है, किसान का मित्र, तो इसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। अभी हम इसको बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद इसको जब हम इसके परिवेश में छोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अभी इसको पकड़ने में बहुत मेहनत लगी। तो मैं इसको और भी अपने नज़दीक से नज़दीक लेके आ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि ये कोई स्टंटबाजी नहीं है, पूरा का पूरा कैमरामैन सांप को तो हम रेस्ट जब छोड़ेंगे तब दिखा सकते हैं। अभी इसको पूरा मुझे दिखाया जाए इसके साथ। आप देख सकते हो मैंने इसको अपने हाथ में लिया, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बिना विष वाला सांप है, कोई भी भाई इसको आके अपने हाथ में ले सकता है। नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, कुछ ला के दे दो जिसको उसको बंद किया जाए। भैया को डिब्बा ला, बढ़िया ने बड़ो को डिब्बा दे, डिब्बा दे आप कह रहा दे मेरा है, डिब्बा ले को डिब्बा दे दो मम्मी जी अंदर बंद कर दे। अरे खूब बड़ा दे ये मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, मैं कहीं नहीं मिट्टी जैसे रंग को बिल्कुल लाइट ज्यादा है तो भैया दिख नहीं पाएगी सर। ढक्कन दे जाओ, ढक्कन दे दो मुझे।
भैया मोम ऊपर करके लाया हूं वाला देख सकते हो हमने सुरक्षित डिब्बे में बंद किया। भारतीय रेड किसने एक परिवार को हमने सुरक्षित किया। मैं अपने गांव सैंपउ से, यह मेरा जिला हाथरस पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर। इन लोगों ने हमें बुलाया तो आने में हमें थोड़ा सा समय तो लगा। यह हाथरस है, बहुत ही फेमस है, हींग के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर हमारे हास्य कवि काका हाथरसी के लिए और मेरे आदरणीय यहाँ के जब हमारे मंत्री रामवीर उपाध्याय जी जीवित थे तो उन्हें बहुत ही विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने के इस जिले को एक नई पहचान दिलाई। तो यह हमारे मंत्री रामवीर उपाध्याय जी के लिए भी यह शहर जाना और पहचाना जाता है। तो मैं एक बार कहना चाहता हूँ सारे जीव प्रेमियों से कि यदि उनके आसपास कहीं भी कोई भी बेजुबान निराश्रित जीव जिसके प्राण संकट में हो और यदि मनुष्य की थोड़ी सी सहायता से उसके प्राणों को बचाया जा सकता हो तो पहले तो खुद ही कोशिश करें बचाने की। यदि आपसे नहीं बन सकता है तो फिर हमें बुलाया जा सकता है। हमसे जितना बन सकता है, जितना हम कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें जिस लायक बनाया है हम आते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल परोपकार सेवा संस्थान नाम से, सुनील भारद्वाज परोपकार सेवा संस्थान नाम से, सारे लोग अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि आप एक आपकी एक छोटी सी मुहिम हो सकता है कि किसी तड़पते हुए जीव की प्राण बचाने में सहायक हो। जय परोपकार, जय परोपकार।